हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं ये हम जानेंगे नेपाल के लोगों के बारे में, नेपालियों के बारे में, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका टाइटल आप देखेंगे लिखा हुआ है ये चीजें नेपाली को बनाती है सबसे अलग, फाइव क्वालिटीज ऑफ नेपाली पीपल। आज हम जानेंगे कि नेपालियों की जो पांच ऐसी क्वालिटीज हैं, ऐसी पांच खूबियां हैं जो उनको सबसे अलग बनाती हैं, और ऐसी क्या क्वालिटीज है वो आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। ओके, ज्यादा वेट नहीं करते हैं, वीडियो को जब स्टार्ट करता हूँ मैं, वीडियो को वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे नेपाली के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में क्या क्या। ओके, वन टू थ्री। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली क्वालिटी की, वो है काइंड हार्टेड एंड वेलकम यू विद स्माइल। दोस्तों अगर नेपालियों की हम बात करें तो सबसे बड़ी उनकी खासियत ये होती है कि वो काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं, यानी ज़्यादातर नेपाली काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं और आपस में जो भी लोग होते हैं वो आपस में काफ़ी घुल मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो शांति प्रिय काफ़ी होते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है बुद्ध का देश है नेपाल, और हमेशा आपका स्वागत जब करेंगे तो हंसते हंसते हुए करेंगे। अगर आप कोई भी रैंडम नेपाली से कभी मिल जाते हैं तो वो आपके साथ काफ़ी दोस्ताना व्यवहार उसका रहता है और एक अच्छी बात उसके साथ आपकी हो जाती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड आप उनके साथ कर सकते हैं। ज़्यादातर नेपाली में ये क्वालिटी पाई जाती है। दूसरी क्वालिटी है दोस्तों ऑनेस्ट एंड टूरिस्ट फ्रेंडली है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादा टूरिस्ट ने ये बोला है और ये इसी रिव्यू पे आधारित है ये सेकंड पॉइंट, कि नेपालियों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो ऑनेस्ट होते हैं ज़्यादा नेपाली, और यहाँ टूरिस्ट फ्रेंडली काफ़ी होते हैं। तो हम बात करेंगे लोग नेपालियों पे काफ़ी लोग भरोसा भी कर लेते हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट होते हैं वो हमेशा इसे ये कहते हैं कि जब भी वो एग्जिट होते हैं नेपाल से तो हमेशा ये कहते हैं कि नेपाल के लोग काफ़ी ऑनेस्ट हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ टूरिस्ट को कभी परेशान नहीं किया जाता किसी भी चीज़ पर, और अगर भी कोई भी कारणवश किसी टूरिस्ट के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं काफ़ी ईमानदार होते हैं, उस टूरिस्ट की पूरी जी जान से मदद भी करते हैं, तो इसकी तारीफ दुनिया भर में ज़रूर होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अवॉइड वायलेंस। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध की धरती नेपाल शांति का प्रतीक है, यहाँ वायलेंस की कोई जगह नहीं है। ज़्यादातर नेपाली दोस्तों वायलेंस करने से बचते हैं या वायलेंस को अवॉइड करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि वायलेंस को वो डरते हैं, लेकिन दोस्तों उनका ऐसा कि शांति ज़्यादा बेहतर है बाकी सब चीज़ों से। नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल में इतनी जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, 123 लैंग्वेजेस हैं टोटल नेपाल में, आपको पता ही नहीं होगा इसके बारे में, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन दोस्तों नेपाल में कभी भी दोस्तों धर्म के आधार पर दंगे नहीं हुए हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि नेपाल के लोग कितने शांतिप्रिय हैं और वायलेंस को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। कुछ वायलेंस आप देखेंगे कि कई बार न्यूज़ में आता होगा, लेकिन वो धार्मिक आधार पर कभी नहीं होते, वो मेनली जो नेपाली लोग होते हैं वो अपने राइट्स के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट और सरकार के गलत फैसलों के लिए उस चीज़ को करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों रिलीजियस रूट्स। दोस्तों नेपाल के जो लोग होते हैं वो अपने धार्मिक भावनाओं या धार्मिक रूट से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर नेपाल में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप देखेंगे वो पुराने तरीके से ही मनाए जाते हैं, उसमें कोई आप देखेंगे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके अलावा नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर की बात करेंगे वो भी एक हिंदू कैलेंडर है जो कि सब लोग फॉलो भी करते हैं उस चीज़ को, और नेपाल के जितने प्रीवियस त्यौहार होते हैं या फिर आप फेस्टिवल होते हैं उनको एज इट इज़ जैसा कि चलता आ रहा है वैसा के वैसा फॉलो किया जाता है, और जितने भी नए लोग रहते हैं चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो ओल्ड नेपाली हो उसको पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों नेवर फोर्स यू टू एनीथिंग। आखिरी जो पॉइंट है हमारा कि नेपाल के लोग कभी भी किसी टूरिस्ट को, जब भी कोई टूरिस्ट नेपाल में जाता है तो उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाता, जैसे कि साउथ एशियन कंट्री में स्पेशली देखेंगे कोई टूरिस्ट कहीं जाता है तो कभी वो कुछ चीज़ खरीदना चाहता है या कोई चीज़ को एंजॉय कर जिसके लिए उसको पैसे कर देने पड़ते सर्विसेज के लिए, तो आमतौर पर जो लोग होते हैं उसको फोर्स करते हैं और काफ़ी हद तक उसका पीछा करते हैं, उसको परेशान कर देते हैं। हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान की भी ये घटना थी जो कि काफ़ी चर्चा में हुई थी, आप सभी को देखा हुआ चीज़ को। तो यहाँ लेकिन नेपाल की हम बात करें तो नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी टूरिस्ट को इस तरह परेशान नहीं किया जाता। जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ नेपाल से निकला है तो उन्हें इस चीज़ की भी तारीफ की है कि कभी भी उसको के नेपाली द्वारा उसके व्यवहार द्वारा उसको परेशान नहीं किया है, कि नेपाली लोग काफ़ी शांत होते हैं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी जानकारी हमें मिली यहाँ पे नेपालियों के बारे में, नेपाल देश के बारे में और उनके जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो यार ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ जानकारी मिली है आप लोगों को, काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि जो नेपाल के लोग होते हैं सबसे पहले तो नेपाल के लोग चाहे नेपाल में हो या नेपाल से बाहर किसी दूसरी कंट्री में हो, अगर किसी से मिलते हैं तो उनका स्वागत वो मुस्कुराते हुए करते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे से। दूसरी चीज़ वो बहुत ही लॉयल होते हैं, ऑनेस्टी दिखाते हैं, वो सबके प्रति चीटिंग नहीं करते, चोरी चकारी या फिर मारामारी नहीं करते। और एक और चीज़, नेपाल में वायलेंस नहीं है, ठीक है, गौतम बुद्ध के रास्ते से वो लोग चलते हैं,
क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हम वायलेंस करेंगे तो इसका नतीजा बुराई होता है। ऐसा नहीं कि लोग डरते हैं, गोरखा की जमीन से अगर कोई पैदा हो रहा है तो वो इधर ही पैदा होगा, डरता नहीं किसी को, लेकिन उनको पता है कि अगर वो लोग वायलेंस करेंगे तो वो कितने हद तक जा सकते हैं, इसलिए वो वायलेंस से अगेंस्ट ही रहते हैं, शांति प्रिय के अपनी जिंदगी जीते हैं शांति के हिसाब से। फिर ये लोग किसी भी टूरिस्ट को फोर्स नहीं करते कोई भी सामान खरीदने के लिए, और भी काफ़ी सारी क्वालिटीज हैं नेपाली के अंदर जो कि हम लोगों को अभी तक पता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेपाली ही बता सकते हैं कि क्या क्या खूबियाँ होती हैं उसके अंदर, और आज के ज़माने के लोग भी उसी तरह से अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं जिस तरह से पुराने पूर्वज लोग फॉलो करते थे। और भी कई कंट्रीज में लोग चीज़ों को अपडेट कर देते हैं, रिल्स में व्यूइंग करते हैं, डीजे बजा देते हैं, डांस करेंगे, ठीक है, आरती की जगह वो लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, ये सब गलत चीज़ें होती हैं। नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जिस तरह से रीति रिवाज उनके फॉलो करते हैं उस तरह से आज के लोग भी, आज की जनरेशन भी उसको उस हिसाब से फॉलो करेंगे। बाकी इस रिलेटेड और कोई वीडियो है आपको, वीडियो के हिसाब से अगर कुछ गलत लगता है या कुछ सही है या फिर और चीज़ आप इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी कोई वीडियो है तो उसका लिंक भी आप मुझे दे सकते हैं, इंस्टॉप लिंक पर भी मैसेज करके उसका लिंक दीजिए या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, डॉक्स के ऊपर भी मैं रजिस्टर करूँगा और आप उसका शेयर करूँगा। दोस्तों और आज के लिए उतना ही, और लास्ट में पसंद करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए, सपोर्ट करते रहिए जिससे मैं और भी डिफरेंट वीडियो सीख लूँ और आप अच्छे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह की धमाकेदार पाऊंगा, तब तक के लिए।